बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फार्मास्यूटिकल 17 लेक्चर है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन इंजेक्टेबल एंड पेरेंटल प्रिपरेशंस। सबसे पहले इंजेक्टेबल होते क्या हैं? इंजेक्टेबल्स को हम पेरेंटल प्रिपरेशन भी कहते हैं। पेरेंटल प्रिपरेशन और इंजेक्टेबल आर दी स्टेरॉयल। जब भी आप इंजेक्टेबल का वर्ड यूज़ करते हैं, उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है वो स्टेरॉयल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में इंट्रावीनसली जो है ना एडमिनिस्टर किया जा रहा होता है, तो इसमें बिल्कुल भी जो चांसेस हैं इन्फेक्शन के या फिर नॉन स्टेरिलिटी हो वो बहुत कम होने चाहिए। तो इंजेक्शन पेरेंटल और इंजेक्टेबल आर द स्टेराइल पायरोजिन फ्री सॉल्यूशंस और सस्पेंशन ऑफ ड्रग। पायरोजिन फ्री, पायरोजिन आर दी स्टेराइल, आर दी स्टेराइल पायरोजिन फ्री सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस ऑफ ड्रग इन एक्वस और ऑयली व्हीकल, इन एक्वस। व्हीकल कौन सा हो सकता है? दोज ड्रग विच आर कंपेटिबल और डिजॉल्व इन द वाटर, दिस आर मिक्स्ड विद द एक्वस व्हीकल। और जो ऑयली व्हीकल में होती हैं तो फिर उसे उस व्हीकल में तैयार किया जाता है। तो पेरेंटल इंजेक्टेबल प्रिपरेशंस आर द स्टेराइल पायरोजिन फ्री सॉल्यूशंस और द सस्पेंशन सस्पेंडेड इन एक्वस और द ऑयली व्हीकल मिंट फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द बॉडी बाय मींस ऑफ एन इंजेक्शन। क्लियर है? पेरेंटल प्रिपरेशंस और इंजेक्टेबल आर द स्टेराइल पायरोजिन फ्री सॉल्यूशंस और सस्पेंशन ऑफ ड्रग इन एक्वस और ऑयली व्हीकल मेंट फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द बॉडी बाय मींस ऑफ इंजेक्शन पेरेंटली। ये इसकी क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई कि इंजेक्टेबल बेसिकली कौन सी प्रिपरेशंस है। इसके बाद आप आज के अगर कोई भी इंजेक्शन है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी, अगर एक इंजेक्टेबल है उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी कि नंबर वन वो स्टेराइल होगा। स्टेराइल का मतलब क्या है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल भी नहीं मौजूद होंगे। फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स एज टॉक्सिन्स एंड द पैराजिन्स। कुछ माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स सम टाइप ऑफ टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल पाक होना चाहिए और टॉक्सिन से भी, किसी किस्म का टॉक्सिन भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए इंजेक्टेबल में। नंबर टू, मस्ट बी फ्री फ्रॉम पार्टिकल्स लाइक डस्ट एंड फाइबर। तमाम इंजेक्टेबल जो भी प्रिपरेशंस हैं उनको इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती कि उसमें कोई डस्ट या किसी किस्म का ऐसा पार्टिकल या फाइबर मौजूद हो। शुड बी आइसोटोनिक विद द बॉडी। जब इंजेक्टेबल की बात करते हैं या हम कोई भी जैसे आई प्रिपरेशंस हैं या कानों में जो है ना वो डालने वाले ड्रॉप्स होते हैं उसकी हम बात करते हैं, तो फिर हम कौन से टर्म यूज़ करते हैं? आइसोटोनिसिटी। पढ़ा था आपने आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? दैट आर नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन विच आर कंपेटिबल विद द बॉडी फ्लूइड्स। अगर वो हाइपरटोनिक होगा या हाइपरटोनिक होगा तो वो क्या करेगा? सेल को डैमेज कर सकता है, क्योंकि ये पेरेंटली दिया जा रहा है इंट्रामस्कुलरली इंट्रावीनसली, तो तमाम इंजेक्टेबल सॉल्यूशन मस्ट बी आइसोटोनिक। आइसोटोनिक, आइजो, आइजो मीन सेम, टोनिसिटी जो उसकी कंसंट्रेशन है वो आपकी बॉडी फ्लूइड से मैच करनी चाहिए, आइसोटोनिक होनी चाहिए तमाम इंजेक्टेबल्स। मल्टी डोज इंजेक्शन मस्ट कंटेन प्रिजर्वेटिव। कुछ आपके इंजेक्शंस होते हैं सिंगल इस्तेमाल के लिए, आपने एम्प्यूल किया, एम्प्यूल को आपने ब्रेक किया, सिंगल उसके लिए यूज़ किया और उसको फिर अगर रिमेनिंग डोज बचती भी है तो उसे हम क्या कर देते हैं? डिस्कार्ड कर देते हैं। एम्प्यूल में और वायल में क्या फ़र्क है?
एम्प्यूल आपका सिंपल जो है ना ग्लास का सिंगल डोज होता है एम्प्यूल की फॉर्म में, वायल जो है ना आपका उसमें हम मल्टी डोज निकाल सकते हैं, वो मल्टी डोज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एम्प्यूल को आपने सिंगल डोज यूज़ किया, लेकिन जो मल्टी डोज वायल्स हैं उसमें प्रिजर्वेटिव का होना ज़रूरी है कि सम टाइम आपको उससे कई डोजेज निकालनी होती हैं। तो मल्टी डोज वायल जो है उसके लिए प्रिजर्वेटिव का होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके आ जाए एडवांटेजेस पे, ये थी सेकंड हमने कवर किया सेकंड पॉइंट। नंबर वन क्या था इसका पॉइंट, नंबर वन पायरोजिन फ्री फ्रॉम ऑल पायरोजिन्स, फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नंबर टू फ्री फ्रॉम ऑल द डस्ट पार्टिकल और द फाइबर्स पार्टिकल, नंबर थ्री दे आइसोटोनिक होना चाहिए विद द नॉर्मल बॉडी सोल्यूशन, विद द बॉडी सोल्यूशन और बॉडी फ्लूइड्स, एंड नंबर फोर मल्टी डोज वायल मस्ट कंटेन द प्रिजर्वेटिव, क्योंकि उसमें आप मल्टी डोज है आप बाद में भी उसे जो है ना कवर करके रख देते हैं, उसको डोज आपने निकाल ली विदड्रॉ कर ली और रिमेनिंग को जो है ना आप स्टोर कर लेते हैं फॉर द सेकेंड डोज टू बी एडमिनिस्टर्ड। अच्छा, इसमें भी जो है ना वो डिफरेंट इंजेक्शंस की डिफरेंट वो होती है, कुछ मल्टी डोज वायल्स जो है ना वो आपके 8 घंटे के लिए स्टेबल होते हैं, कुछ मल्टी डोज वायल आपके 16 घंटे के लिए स्टेबल होते हैं, एंड कुछ आपके 24 घंटे के लिए स्टेबल होते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये जो है ना हफ्तों तक जो है ना आप इनको स्टोर कर सकें, ऐसा नहीं होता। तो जो भी आप मल्टी डोज वायल इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने उसकी स्टोरेज पढ़नी है कि इसको स्टोर भी किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, और स्टोर करने के बाद आपने उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है, अगर आप देखते हैं कि उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस चेंज हो गई है, उसका कलर चेंज हो गया है, वो जो है ना इतना गाढ़ा नहीं था, वो ज़्यादा वो गाढ़ा महसूस हो रहा है, तो उसको इमीडिएटली क्या कर दें, डिस्कार्ड कर दें, वो फिर इस्तेमाल के काबिल नहीं होगा। अब इसके क्या फ़ायदे हैं इंजेक्शन, हम कल आपने पढ़ा था टैबलेट्स का, अब अगर हम इंजेक्टेबल दे रहे हैं तो इसके क्या फ़वाइद हैं और इनसे जो है ना पेशेंट को किस तरह से फ़ायदा हासिल हो सकता है। नंबर वन, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन इन एमरजेंसी सिचुएशन, खुदा ना खास्ता एक मरीज़ है, उसे हमने इमीडिएटली जो है ना कोई ऐसी दवा देनी है कि वो उसकी वो नॉर्मल कंडीशन की तरफ आ जाए, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रैपिड एक्शन होगा, रैपिड ऑनसेट होगा उस दवा का, जल्दी से असर होगा, वो कौन सा होगा, इंजेक्टेबल से होगा, उसे टैबलेट नहीं दी जा सकती उस वक़्त। तो सबसे जो अच्छा फ़ायदा है इंजेक्टेबल का वो है कि रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन इन केस ऑफ एमरजेंसी, जैसे अगर अल्लाह ना करे कोई पेशेंट है ब्लीड कर रहा है, पेशेंट है उसका ब्लड प्रेशर जो है ना वो एबनॉर्मल हो गया है, तो सबसे पहले आप क्या देंगे उसको, आप आई वी फ्लूइड जो है ना एमरजेंसी कंडीशन में देंगे, या फिर कोई भी ऐसा जो है ना मल्टीपल डिजीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो जल्दी से जो असर पहुंचाएगी वो कौन सी दवा होगी आपकी, क्योंकि ये डायरेक्टली आपकी किस में जा रही है, ब्लड स्ट्रीम में जा रही है। जब आप ओरल दवा लेते हैं तो वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाती, वो किस तरह से जज्ब होती है, स्टमक में जाएगी, स्टमक से इंटेस्टाइन में, फिर वो आपके जो है ना ब्लड स्ट्रीम में शामिल होगी, फिर वो आपके टारगेट एक्शन में पहुंचेगी, तो उसमें डिले रिस्पॉन्स आता है। तो सबसे जो बड़ा बेनिफिट है वो क्या है, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन इन केस ऑफ द एमरजेंसी। नंबर टू, मोर सुटेबल रूट फॉर नॉन कोऑपरेटिव एंड अनकॉन्शियस पेशेंट, दिस इज़ द मोस्ट सुटेबल रूट, के सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट रूट है उन पेशेंट्स के लिए जो कि नॉन कोऑपरेटिव होते हैं और या फिर अनकॉन्शियस होते हैं। एक मरीज़ है, उसके जहन में है कि वो दवा नहीं लेना चाहता, या वो दवा नहीं ले सकता, या वो वॉमिट आउट कर देता है, ये जिस तरह, तो उसके लिए जो मोस्ट सुटेबल रूट है वो क्या होगा, आईवी होगा। और ऐसे पेशेंट जो कि अनकॉन्शियस हैं, कोमा में चले जाते हैं, तो फिर उन्हें आप पेरेंटली जो है ना न्यूट्रिशन भी दे रहे होते हैं और पेरेंटल जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन दवा भी पेरेंटली एडमिनिस्टर की जा रही होती है, ये इसका सेकंड बेनिफिट। नंबर थ्री, प्रोलॉन्ग एक्शन ऑफ अ ड्रग कैन बी प्रोड्यूस बाय दिस रूट, सम टाइम आपको बेनिफिट होता है कि आपने कुछ इंजेक्शन आईएम दिए जाते हैं, आईएम रूट के ज़रिए जो भी इंजेक्शन दिए जाते हैं तो वो प्रिपरेशंस नंबर वन किस में डिसॉल्व की जाती हैं, नॉन एक्वस व्हीकल में डिसॉल्व की जाती हैं, राइट। फिर वो आप इंट्रा मस्कुलर दी जा रही होती है तो उसका एक्शन जो है ना आपके कई वो जो है ना दिनों तक मेंटेन रहता है, उसे हम कहते हैं आईएम रूट।
तो प्रोलॉन्ग एक्शन भी, रैपिड एक्शन भी दिया जाता है, लेकिन अगर हमें किसी डोज का प्रोलॉन्ग एक्शन चाहिए तो उसे IM रूट, प्रेफरेबली IM रूट से मेडिसिन दी जाती है। उससे स्लो स्लो रिलीज हो रहा होता है और बॉडी में कंसंट्रेशन उस दवा की मेंटेन हो रही होती है। द रूट इज प्रेफर व्हेन द ड्रग इज नॉट एब्जॉर्ब और इनएक्टिवेटेड इन द GIT। नंबर फोर पॉइंट ये है कि वो तमाम दवाएं जो कि आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या है, जो कि आपके मेदे से हजम नहीं हो सकती, जजब नहीं हो सकती, तो उनके लिए भी IV रूट जो है प्रेफर किया जाता है। दोज ड्रग विच आर नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय द GIT, द प्रेफर्ड रूट इज IV। जो दवाएं मेदे में, आप मेदे का मसला है किसी मरीज को, वो टॉलरेट नहीं कर सकता, खुदा ना खास्ता उसको कोई इंटेस्टाइनल अल्सर है, ड्यूडिनल अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर है, इस केस में भी आप ओरली जो है ना मेडिसिन नहीं दे सकते, या कोई और कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो उसमें IV रूट प्रेफर किया जा सकता है। IV रूट के ज़रिए हम 4 मिलीलीटर से लेके 4 ml, 4 ml से लेके 4 लीटर तक जो सॉल्यूशंस हैं वो किसके थ्रू दिए जा सकते हैं, IV रूट के थ्रू दिए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें आप IV रूट का अगर मल्टी डोज भी देनी है तो उसमें 4 ml से लेके मिनिमल 4 ml से लेके आप 4 लीटर तक के जो सॉल्यूशंस हैं वो IV पेरेंट्रल रूट से दिए जा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, नाउ कम टू द पॉइंट डिसएडवांटेजेस। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग थ्रॉन्ग रूट रू मे प्रूव फेटल। IV एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले जब आप किसी भी IV ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, पहले क्या आपको जानना है, इसकी डोज और रूट। IV ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसकी डोज का और रूट का जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आपने रॉन्ग डोज 5 मिलीग्राम की जगह 10 मिलीग्राम दे दी, और 10 मिलीग्राम जो है ना आपने आधे घंटे में देने थी लेकिन आप उसे 5 मिनट में दे रहे हैं, तो उससे क्या हो सकता है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन भी हो सकता है, और हो सकता है उस ड्रग के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि वो जो है ना इंक्रीज हार्ट रेट करती है, डिजनेस प्रोड्यूस करती है, या जो है ना वो नोज़िया प्रोड्यूस करे, तो ये सब रिएक्शंस हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो डिसएडवांटेज है IV रूट का वो ये है कि अगर आपका प्रेफर्ड रूट था एक मेडिसिन आपने इंट्रावीनस देनी है और आपने उसे जो है ना IM दे दिया, तो वो क्या कर सकती है, टिश्यू डैमेज कर सकती है, IM के लिए वो प्रेफर्ड रूट नहीं था। और इसी तरह से अगर आपने IM देनी थी और आप IV दे रहे हैं, तो वो इस तरह से अगर रूट ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए, रॉन्ग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, तो ये क्या हो सकता है, इट कैन बी मोर फेटल फॉर द लाइफ ऑफ पेशेंट। क्लियर है कि अगर रॉन्ग रूट से आपने कोई दवा दे दी, वो देनी IM थी, IV थी, इंट्राडर्मल थी, तो उससे जो है ना पेशेंट की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़तरा हो सकता है। नंबर टू जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि मोड ऑफ ट्रीटमेंट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इंजेक्टेबल है, पेशेंट को इंजेक्टेबल लगवाना है तो डेफिनेटली उसे हॉस्पिटल मूव करना है। इसमें चूँकि एक्सपर्ट टेक्निक रिक्वायर्ड है, जो एक्सपर्ट होगा वही मेडिसिन को लगा सकता है। फिर उसमें जो है ना डाइल्यूशन बनानी है, आपको डिसॉल्व करना है, पाउडर है तो उसको आपको डाइल्यूट करना है, फिर आपने उसे मज़ीद कंसंट्रेशन उसकी बनानी है। तो इस तरह से ये मोड ऑफ ट्रीटमेंट वेरी एक्सपेंसिव है और इसमें एक्सपर्टीज भी रिक्वायर्ड है, एक्सपर्ट होना भी ज़रूरी है। ये इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। अब आ जाए फॉर्मुलेशन ऑफ पेरेंटल्स। कोई भी ड्रग जो वहीकल है, फार्मूलेशन ऑफ पेरेंटल, अगर ये पेरेंटल्स प्रोडक्ट की, इसमें 2 वहीकल यूज़ होते हैं, वाटर बेस्ड वहीकल एंड द एक्वस वहीकल, वाटर या फिर ऑयल। द मोस्ट सुटेबल वहीकल फॉर पेरेंटल ड्रग्स इज़ द वाटर, द मोस्ट सुटेबल वहीकल इज़ द वाटर। बट समाइम जहाँ पे प्रोलॉन्ग एक्शन चाहिए होता है या IM प्रिपरेशंस होती है, उसमें आपका सुटेबल वहीकल कौन सा होता है, ऑयली वहीकल होता है। ड्रग इज़ डिजॉल्व इन द ऑयली वहीकल
और ये उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब आपका मेडिकामेंट जो है ना वो वाटर में हल नहीं है और वो ऑयल में हल पजीर है। ये ऑयली व्हीकल कब यूज़ किया जाता है? व्हेन द मेडिकामेंट द ड्रग विच इज़ नॉट डिजॉल्व इन द वाटर देन इट इज़ डिजॉल्व इन द ऑयली व्हीकल। ऑयली व्हीकल कौन कौन से हो सकते हैं? कॉटन सीड ऑयल, पीनट ऑयल, सिसम ऑयल एंड द ऑलिव ऑयल। कॉटन सीड ऑयल, सिसम ऑयल, ऑलिव ऑयल और ये आपका ऑयली व्हीकल है। इसके अंदर फिर एडिड सब्सटेंसेस के, ये हो गई व्हीकल नंबर एक। फॉर्मुलेशंस में क्या आएगा मैन्युफैक्चरिंग में? व्हीकल प्लस एडिड सब्सटेंसेस। व्हीकल में आपका वाटर, ऑयल एंड एडिड सब्सटेंसेस में क्या क्या होता है? सोलबलाइजिंग एजेंट होता है। जो एडिड सब्सटेंसेस होती हैं उसमें स्टेबलाइजर होता है जो कि आपकी प्रिपेयर्ड फॉर्म में होती हैं। ये क्या है? जो आपको प्रिपरेशन फुल मिलती है उसके व्हीकल की बात की जा रही है कि एक इंजेक्शन जो आपके पास पहुंचता है उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। उसमें एक्टिव मेडिकामेंट्स होता है, एक्टिव मेडिकामेंट हो गया, एक्टिव ड्रग और मेडिकामेंट। नंबर टू व्हीकल, नंबर थ्री एडिड सब्सटेंसेस। ये तीन चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं जो ड्रग आपके पास पहुंचती है आईवी। अब उसमें एक्टिव मेडिकामेंट्स है व्हीकल, वाटर और ऑयल है, एडिड सब्सटेंसेस में आपके पास सोलबलाइजिंग एजेंट होता है। लिख लें आप, एडिड सब्सटेंसेस में सोलबलाइजिंग एजेंट, स्टेबलाइजर्स स्टेबलाइजर्स, बफर्स, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स और प्रिजर्वेटिव। आइसोटोनिसिटी एडजस्टर वेटिंग सस्पेंडिंग एंड इमल्सिफाइंग एजेंट। नो कलरिंग एजेंट इज अलाउड। ये आपकी एडिड सब्सटेंसेस होंगे। अब आ जाए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजेक्टेबल। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ कंटेनर, क्लोजर एंड इक्विपमेंट्स। ये मैन्युफैक्चरिंग में है, ये है इसकी मैन्युफैक्चरिंग। उसमें कौन मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं इसकी जो है ना सिंगल हेडिंग के साथ साथ जो है ना डिस्क्रिप्शन है। फिर कलेक्शन ऑफ मटेरियल, कंपाउंडिंग द प्रिपरेशन, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्यों की जा रही है?
इफ एनी डस्ट पार्टिकल और द फाइबर पार्टिकल इट कैन बी स्ट्रेन्ड. Distributing the preparation in the final container, sealing the container, sterilization, labeling and packaging, number 9th hai evaluation of parenteral preparation. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पेरेंटरल में सबसे पहला स्टेप है वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ द कंटेनर क्लोजर एंड इक्विपमेंट्स. नंबर 2 कलेक्शन ऑफ मटीरियल, मटीरियल कलेक्ट किया जाता है फिर उसे कंपाउंड किया जाता है. 3rd स्टेप फिर उसे फिल्टर किया जाता है ताकि कोई डस्ट पार्टिकल फाइबर पार्टिकल है वो भी रिमूव हो जाए. उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रिपरेशन इन फिर उसके बाद जब ये फिल्टर हो जाता है उसे जो फाइनली जो है ना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फाइनल कंटेनर में. फाइनल कंटेनर को फिर सील कर दिया जाता है फिर स्टरलाइजेशन होती है ताकि इसमें कोई भी एनी पार्टिकल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो उसकी जो है ना उसे रिमूव कर दिया जाए. लेबलिंग और पैकेजिंग एंड देन इवेल्यूएशन ऑफ द पेरेंटरल प्रिपरेशन. उसके बाद फाइनल जो है पेरेंटरल प्रिपरेशन तैयार हो जाती है. नेक्स्ट स्टेप है पैकेजिंग एंड स्टोरेज. जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि इसमें आपके सिंगल डोज कंटेनर एंड मल्टी डोज कंटेनर की बात हो रही है. पैकेजिंग एंड स्टोरेज में सिंगल डोज कंटेनर जो है एक दफ़ा ओपन कर दिया जाता है तो उसे दोबारा स्टोर नहीं किया जा सकता और इट इज़ डिस्कार्डेड सिंगल डोज कंटेनर. बट इन केस ऑफ मल्टी डोज कंटेनर इट परमिट्स द विड्रॉल ऑफ सक्सेसिव डोज. उसमें आपने जो रिक्वायर्ड डोज है वो वक्फे वक्फे से इस्तेमाल कर लेनी है लेकिन दोबारा इस्तेमाल करने के लिए उसे फर्दर डाइल्यूट नहीं किया जाएगा. आपने एक इंजेक्शन लिया 1 ग्राम, 1 ग्राम इंजेक्शन है आपका वो मल्टी डोज है. बच्चा है उसको जो है ना 3 डोज देनी है 1 ग्राम इंजेक्शन की. 1 ग्राम को आपने क्या कर लिया डाइल्यूट कर लिया. डाइल्यूट करके इट इज़ स्टेबल फॉर 24 आवर्स. सपोज करें 1 ग्राम, 1 ग्राम में कितने होंगे 1000 मिलीग्राम. इसे आपने कितने ml से 10 ml से डाइल्यूट कर लिया. अब ये 10 ml आपके पास पाउडर था ये ड्राई पाउडर था ये आपका 10 ml बन गया. बच्चे की जो डोज है वो बनती है 2.5 ml. हर दफ़ा आप इससे और ये स्टेबल है 24 आवर्स के लिए. हर दफ़ा आपने क्या करना है 2.5 ml विदड्रॉ करना है. इस वायल से फिर कितना रह जाएगा 7.5 ml. फिर आपने 2.5 ml विदड्रॉ किया कितना रह गया 5 ml. फिर आपने 2.5 ml अब ये 2.5 ml रह गया. 24 आवर्स के स्टेबल था 3 डोज इसमें बच्चे को लगनी थी 8 आवर्ली डोज इस पेशेंट को लगनी थी 3 डोजेज जो है कम्प्लीट. अभी 2.5 ml इसे क्या कर देंगे आप डिस्कार्ड कर देंगे. तो मल्टी डोज जो वाइल होता है उसे आपने एक दफ़ा डाइल्यूशन बना ली तो दोबारा से आप ये नहीं कर सकते कि इसमें मज़ीद जो है ना आप डाइल्यूट कर देंगे. इसे फर्दर डाइल्यूट नहीं करेंगे बल्कि जो सक्सेसिव डोजेज हैं जितनी आपको डोज विदड्रॉ करनी है वो आपने डोज ले ली और जितनी डोज जो है ना रिमेनिंग हो जाएगी तो उसे नेक्स्ट डे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. उसे आप इमीडिएटली डिस्कार्ड कर देंगे. तो जो मल्टी डोज वायल है जो भी आप दवा इस्तेमाल करने जा रहे हैं सबसे पहले आपने क्या देखना है उसकी
डाइल्यूशन एंड स्टोरेज. डाइल्यूशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि इसमें कितने में डाइल्यूट करना है आपने, फर्दर इसको पेशेंट को देना है, और इसके अलावा जो है ना उसकी स्टोरेज कितनी है. बास दवाइयाँ सिर्फ 8 आवर्स के लिए स्टेबल होती हैं, बास 16 घंटे के लिए, बास 24 आवर्स के लिए, एंड सम टाइम फ्यू आर 48 आवर्स. एंड स्पेशली बी केयरफुल अबाउट द एंटी बैक्टीरियल, एंटी प्रोटोजोअल, खसूसी तौर पे एंटी फंगल, इनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि जो एंटी बैक्टीरियल होते हैं उनकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं. और खसूसी तौर पे दो तरह की ड्रग्स होती हैं, एक एंटीबायोटिक आपके पाउडर फॉर्म में है और एक ऑलरेडी डाइल्यूटेड फॉर्म में है. तो जो पाउडर फॉर्म में है उसकी स्टेबिलिटी और कम होती है. अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा हो तो उसे किस फॉर्म में लाया जाए, सॉल्यूशन फॉर्म में. उसकी ऑलरेडी जो स्टेबिलिटी है पाउडर फॉर्म्स की वो वैसे ही बहुत कम होती है, और जो सॉल्यूशन फॉर्म है उसकी एनी हाउ स्टेबिलिटी होती है. लेकिन आपको एवरी टाइम यू मस्ट बी वेरी मच केयरफुल अबाउट इट्स स्टोरेज, कि आपने कितनी टाइम के इसको स्टोर कर सकते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि ये आपके जो पेरेंट्रल्स है उसके लिए जो आपका टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जो भी इंजेक्टेबल हैं उसके लिए दो तरह का आपके पास टेम्परेचर होता है, एक आपका रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर, क्या है रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर, और एक है आपका रूम टेम्परेचर. जो रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर है वो है 2 to 8 degrees centigrade, और जो आपका रूम टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 25 degrees centigrade, 25 to 30 degrees centigrade. तो कुछ इंजेक्टेबल्स ऐसे होते हैं जो कि आपके रूम टेम्परेचर में वो स्टोर किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ आपके ऐसे हैं जो कि आपके रेफ्रिजरेशन में. एंड सम इंजेक्टेबल ऐसे होते हैं जो कि डाइल्यूट करने के बाद जो है ना उसे कहाँ पे रखना चाहिए स्टोर करने के लिए, वो स्टेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन उनको स्टोर किया जाता है इन रेफ्रिजरेशन, क्योंकि वो ओपन भी हो गए हैं, उसकी डाइल्यूशन भी बन गई है, तो कंटामिनेशन के चांसेस टेम्परेचर की वजह से बढ़ जाते हैं. माइक्रोब्स जो हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा अटैक करते हैं मेडिसिन के लिए, इसलिए मेडिसिन के लिए सूटेबल टेम्परेचर होता है कि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी नहीं हो सकती और मेडिसिन की जो एक्चुअल कंसिस्टेंसी है वो भी मेंटेन रहती है. तो पेरेंटल्स के लिए, जो भी पेरेंटल्स है आपको, जैसे वैक्सीनेशंस हैं आपकी किस टेम्परेचर पर स्टोर होती हैं, 2 to 8 degrees centigrade पे. वैक्सीनेशंस के लिए, इंसुलिन्स के लिए जो सूटेबल टेम्परेचर है वो क्या है, 2 to 8 degrees centigrade. एंड जो बाकी दवाइयां हैं आपकी कैलामॉक्स है, जैसे कैलामॉक्स एंड ऑगमेंटिन है, ऑगमेंटिन जो है ना वो आपकी 2 to 8 degrees centigrade पे स्टोर की जाती है, सेम सॉल्ट है, लेकिन कैलामॉक्स जो है ना वो आपकी रूम टेम्परेचर पे स्टोर की जाती है. तो इस तरह से इंजेक्टेबल के लिए हमेशा, जब भी आप इंजेक्टेबल आप अगर सप्लाई करते हैं या आप अपने पास रिसीव करते हैं, तो सबसे पहले इसका क्या देखना ज़रूरी है, टेम्परेचर देखना ज़रूरी है उसका नॉर्मल. अगर वो टेम्परेचर टेम्परेचर पे उसे नहीं, एनेस्थेटिक्स मेडिसिन है, कुछ ऐसी दवाएं हैं जो कि एनेस्थीजिया के लिए यूज़ होती हैं, बेहोशी के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो किस पर स्टोर की जाती हैं, रेफ्रिजरेशन में. और अगर उसे उस मतलूबा टेम्परेचर पे स्टोर ना किया जाए तो वो क्या हो जाएंगी, इट विल बी इनएक्टिव. वो अपनी जो असल वो है उसकी जो एफिकेसी है वो क्या हो जाती है, खो देती हैं, फिर वो आपके लिए किसी फ़ायदे की नहीं होगी. तो आपको पेरेंटल्स के लिए टेम्परेचर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. इंट्रावीनस फ्लूड लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स, मैंने बात की थी कि आप इस इंट्रावीनस को 4 ml से लेके 4 liter तक जो है ना एडमिनिस्टर, ml छोटी छोटे स्मॉल यूनिट है ना ml, एंड लीटर जो है ना वो लार्ज वॉल्यूम्स है. लार्ज वॉल्यूम जो पेरेंटल्स होते हैं वो कौन कौन सी हैं, नॉर्मल सेलाइन 1 liter, डेक्सट्रोसेलाइन, रिंगोलैक्टेट सोल्यूशंस, मैनिटोल सोल्यूशन, ये आपके लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स हैं. यह हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है.